दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त दीपक उत्तर प्रदेश यूपी बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों ददर मुनि के नाम से लगने वाला ददरी मेला। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिला अधिकारी के तरफ से कुछ दिन पहले अपडेट किया गया था कि कोरोना काल के महामारी को देखते हुए इस बार ददरी मेला नहीं लगने वाला है। मुनि के नाम से लगने वाला ऐतिहासिक मेला और पारंपरिक ये मेला है और इस वक्त मेला लगने को लेकर बड़ी खबर आप सभी को देना चाहता हूँ। दोस्तों आप सभी बलिया जनपदवासियों से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता है कि जब जिला अधिकारी की तरफ से आदेश किया गया कि ददरी मेला नहीं लगेगा तब जाके मेला लगने को लेकर आंदोलन छात्र संगठन के लोगों का जारी था। उसे भी मलिया के मंत्री जी पहुंचकर ददरी मेला लगने को लेकर क्या कहे तब जाके हल बल निकला ददरी मेला लगने को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ददरी मेला लगने को लेकर पूरी जानकारी दिया हूँ और ददरी मेला अगर लगता है तो दोस्तों क्या क्या उसमें गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। इस वीडियो को अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले स्मार्टफोन पर मिलता रहे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आप सभी को लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश यूपी बलिया भृगु मुनि के क्षेत्र में भृगु आश्रम में। देख सकते हैं कि छात्र संगठन के लोग आंदोलन जारी है और लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें आंदोलन खत्म ही हो गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश यूपी बलिया के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने पहुंचकर छात्र संगठन के लोगों से आश्वासन देते हुए उन्होंने क्या कहा ददरी मेला लगने को लेकर, और इस वीडियो में पूरा आप सभी को डिटेल दिया गया है ददरी मेला लगने को लेकर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है ताकि और अच्छा अच्छा वीडियो आपको दे, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। बोली बोली भृगु बाबा की। मुझे उम्मीद है कि आप आए हैं, नेता भी रहे हैं और इसी परिषद में अपने काफी पूर्णिमा का हमेशा यहाँ से हम लोग भैया आश्वासन ऐसा ना बने कि दिल को कष्ट कर दिया। मेला लगवाइए भैया, कम दिया जाते कम नहीं कराइए दोनों का। क्या कह रहा हूँ मैं जो भी बातें कह रहा हूँ आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, आप और हम सभी एक ही बात चाहते हैं, उसका स्वरूप भी क्या होना चाहिए। कोरोना काल बजट के साथ सभी लोगों का बैठ लीजिए और जो व्यवस्था आप चाहते हैं उसका स्वरूप नगर प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन मिल करके मेले की व्यवस्था करेंगे। आपने देखा कि बलिया के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने आश्वासन देते हुए छात्र संगठन के लोगों से बलिया के जनपदवासियों से उन्होंने कहा कि इस बार ददरी मेला लगेगा, लेकिन उस ददरी मेला लगने का जिला अधिकारी और नगर पालिका के तरफ से गाइडलाइन जारी किए जाएंगे कोरोना काल के महामारी को देखते हुए। तो दोस्तों क्या गाइडलाइन जारी किए जाएंगे आप सभी को बता दें कि अभी गाइडलाइन जारी किया नहीं गया है कि मेला का गाइडलाइन क्या होगा, किस तरीके से मेला लगेगा। और लेकिन हाँ मंत्री जी के तरफ से इस बार मेला लगने को लेकर आश्वासन दे दिया गया है कि मेला लगेगा। तो दोस्तों ददर मुनि के नाम से जाने जाने वाला ऐतिहासिक और ददरी मेला है और पारंपरिक मेला है दोस्तों जो सदियों से चला आ रहा है। मेला लगने को लेकर बहुत बड़ी भूमिका छात्र संगठन के लोगों का रहा है और तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। मेला लगने का क्या क्या गाइडलाइन होंगे जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि कोरोना वायरस का महामारी अभी खत्म नहीं हुआ, आपके कोरोना वायरस का महामारी बलिया शहर में है। दोस्तों जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं मेला लगने को लेकर तो आप सभी को मैं जरूर शेयर करूंगा। आप सभी का आज के इस वीडियो में डाउट क्लियर हो गया ददरी मेला को लगने को लेकर, तो दोस्तों आप सब अब निश्चिंत हो जाए ददरी मेला लगने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार देखा तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का क्या रहा है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।